डेंगू ने पंजाब मचाई तहलकी। पहले कोरोना ने ली लोगों की जान, हुण लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा। इस साल पंजाब दे विच 3 गुना वध मामले सामने आए ने डेंगू दे। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी, मैं हाँ जसनूर तवन। पहले कोरोना महामारी दे करके लोगों की मौत हुई है, तो हुण लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। जो मौसम बदलता है, बहुत सारिया बीमारियां सामने आदि ने, बहुत सारी बीमारियां दस्तक देंदे ने, तो उन्होंने विचकार डेंगू तो टाइफॉइड घर घर के छा जाते हैं। हर घर का कुछ एक ना एक मरीज निकलता ही है जिन्हों टाइफॉइड या डेंगू इस मौसम के हो जाता है। तो हुण जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं इस साल के, वह हैरान करन वाले ने, क्योंकि इस साल कुछ ही महीनों के 4600 डेंगू के मामले सामने आ गए ने। पिछले साल की गल करिए 3200 मामले सिगे सिर्फ नवंबर दे मिड तक, पर हुण अक्तूबर दा महीना चल रहा है ते इस दौरान ही डबल तो भी वध मामले डेंगू दे सामने निकल के आ गए ने। इस दौरान 12 लोकां दी जान भी चली गई है, 12 लोकां ने जान गवा ली है डेंगू बीमारी करके। तो महाराज का कहना है कि नवंबर तक इस तो राहत नहीं मिल सकती। हाले ये भी नहीं पता कि होर किन्ने लोग इस जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि हर साल बहुत से लोग हस्पताल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो सेहतयाब होकर घर वापस मुड़ जाते हैं, पर इस साल के आंकड़े बिल्कुल हैरान करने वाले ने। तो थोड़ा दसद कुछ चीज़ा जिस तरह तुम डेंगू नाल अपना बचाव कर सकते हो। तो इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करना, इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखना इस दौरान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल के जिन्होंने कोरोना हुआ उन्होंने इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। शायद यही कारण है कि डेंगू भी बहुत जल्दी बहुत तेजी के नाल फैल रहा है। टाइफॉइड डेंगू का मरीज थानू अज हर घर विच देखण नू मिलेगा, क्योंकि साफ सफाई इस वक्त रखना बेहद लाजमी हो गया। ये कॉरपोरेशन की गल करिए या सरकारा नू इस वक्त टोकीए, क्योंकि हर जगह साफ सफाई सड़कां ते देखण नू नहीं मिल रही है। कुछ अजिहियां थावां भी ने जिथे पानी काफ़ी चिर लंबे समय तक खड़िया रहिंदा है, ते मच्छरां दा ढेर उत्थे आ जांदा है, उत्थे मच्छरां तो ही बीमारियां फैलदियां ने। तां इस साल जो थानू दस दिए कि बकरी दे दुध दा जो रेट है वह 1500-1600 किलो तो भी टप गया, इन्ना महंगा हो चुका है बकरी का दुध। हालांकि कई लोग मनते ने कि बकरी का दुध पीन नाल डेंगू ठीक हो जाता है, तो इस दौरान जो बचा ली भी चीज़ा तुसी इस्तेमाल करनिया ने वो भी लगातार उन्हों का रेट बढ़ रहा है। मॉस्किटो नेट्स होन, क्रीम्स होन, लगातार उन्हों का रेट बढ़ रहा है। फ्रूट का रेट बढ़ चुका है, डेंगू के कीवी खवाई जाती है ज़्यादातर, तो कीवी का रेट भी आसमान छू रहा है। ग्लो का जूस भी पिलाया जाता है, तो ग्लो भी मिलनी इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है। तो कुछ थानू चीज़ा दसते हैं जो तुम इस वक्त खा सकते हो अपने बचा लिए। सिट्रस फ्रूट्स लेना इस वक्त लाजमी है, लेमन, ऑरेंज, कीवी इस वक्त खाना बेहद जरूरी है। जिंजर ते गार्लिक हमेशा इस्तेमाल कर लो। अदरक चाह विच पाके पी सकते हो, तुलसी चाह च पाके पी सकते हो। इस दे नाल ही हल्दी सब तो वड्डा एंटीसेप्टिक मनिया जाता है। हल्दी तुम दुध पा के पी सकते हो या गर्म पानी च पा के भी ले सकते हो। इस तरह तुम ये कदम जो चकोगे तो हो सकता है कि डेंगू थानू ना हो, तो इससे इस बीमारी तो छुटकारा पा सकते हो। हमारे टोटल केसेस अब 1053 हो गए, जिसमें से हमारे टोटल रूरल केसेस 187 हैं और टोटल अर्बन केसेस 866 हैं। हमारे सितंबर में जो टोटल केसेस थे वो हमारे पास थे 433। अब जो हमारे पास अक्टूबर में केसेस आए हैं वो 596 आए हैं टोटल। तो डेली केसेस जो हैं हमारे अब वो थोड़े कम होने लग पड़े हैं, पॉजिटिविटी थोड़ी कम होने लग पड़ी है, तो उम्मीद है कि ये आगे केसेस और कम हो जाएंगे हमारे। लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ किया जा रहा है? लोगों को अवेयर करने के लिए हमने फ्लेक्सीज बना के सारे जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ पर लगा दिए, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, अपने मार्केट प्लेसेस हो गई। माइकिंग हम करवा रहे हैं, जो अक्टूबर एंड तक माइकिंग हम कराते रहेंगे ताकि अनाउंसमेंट्स के द्वारा लोगों का ध्यान इस पर जाए। पैम्फलेट जो हमारे डोर टू डोर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जाते हैं, वो अपने साथ पैम्फलेट्स लेके जाते हैं और वो पैम्फलेट्स भी बांट के आते हैं डेंगू के रिगार्डिंग, और अवेयरनेस तो हम करते ही हैं उसके रिगार्डिंग। बाकी हमारी IEC एक्टिविटीज़, अवेयरनेस लेक्चर्स करते हैं हम स्कूल्स के अंदर भी जाके, जब हमारे पास टाइम लगता है। फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑफिस में जाके, जिससे और अवेयरनेस हो। तो अभी कोई डेथ केस हुआ है? डेथ केस के रिगार्डिंग अभी हमारे पास कोई
फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास, अभी कोई रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब हमारे पास रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम ज़रूर वेरीफाई करेंगे अगर ऐसा कुछ है। अभी तक हमारी जो सस्पेक्टेड डेथ्स और डेथ्स कन्फर्म डेथ्स वो ज़ीरो ही हैं, क्योंकि ये हमने अर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए और अवेयरनेस की वजह से लोग बुखार के दूसरे तीसरे दिन ही अपना स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट करवा रहे हैं आके, जो कि बहुत अच्छा है। आखिरी मौका और स्टूडेंट्स वास्ते जिन्हें एप्लीकेशन कैनेडा ली पहले रिजेक्ट हो चुकी है, कोर्स प्रोग्रेशन नहीं सी या कोर्स रेलेवेंसी ना होन करके रिजेक्ट हो चुकी है, फोन चको कॉल करो 9419 9419 हुण ये आखिरी मौका गवा ना लेना।